कछुआ और हंस। बहुत पहले एक जंगल में एक तालाब था और वहां एक कछुआ रहता था। एक दिन दो हंस पानी पीने के लिए तालाब पर आए। वे वहां कछुए से मिले और वे अच्छे दोस्त बन गए। हंस कछुए के साथ जंगल में घूमने जाते थे। एक बार कुछ महीनों तक जंगल में बारिश नहीं हुई और पेड़ पौधे मरने लगे। तालाब में पानी भी कम होने लगा। पानी की कमी के कारण अन्य पशु और पक्षी भी मरने लगे। हंसों ने जंगल छोड़ने का फैसला किया और कछुए से मिलने गए। हंसों ने कछुए को समझाया कि वे अब किसी और जगह पर चले जाएंगे। कछुए को बहुत दुख हुआ और उसने रोना शुरू कर दिया। कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब कछुए ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, क्या तुम एक लंबी छड़ी ढूंढकर यहाँ ला सकते हो? दोनों हंस गए और एक लंबी छड़ी के साथ वापस आए। कछुए की योजना के अनुसार हंसों ने छड़ी को अपनी चोंच में उठाया और कछुए से अनुरोध किया कि वह आसमान में अपना मुंह ना खोले। कछुआ मान गया और छड़ी को बीच से अपने मुंह में पकड़ लिया। फिर वे उड़ गए और एक गांव से गुजरे। गांव के लोगों ने उन्हें देखा और चकित रह गए। उन्हें देखकर ग्रामीण चिल्लाने और ताली बजाने लगे। ग्रामीणों की आवाज और तालियां सुनकर कछुआ चिंतित हो गया। हंसों से पूछने के लिए कि गांव में नीचे क्या हो रहा था, कछुए ने मुंह खोला। मुंह खोलते ही वो नीचे गिरने लगा। वो जमीन से टकराया और मर गया। हंसों को अपने मृत दोस्त को देखकर बहुत दुख हुआ। इस कहानी का नैतिक है, केवल सही समय पर बोलना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।